Assalamualaikum Dino Hazrat. This is Dr. Talat on behalf of Nishan Foundation. Last week भी हमारी tough love के हवाले से बात हो रही थी, इस हफ्ते भी हमारी tough love के हवाले से ही बात होनी है और इस दफा हम tough love का seventh principle discuss करेंगे और seventh principle ये है कि जब हम किसी stand पर डट जाते हैं तो उससे बहरान पैदा होता है। जब हम कोई फैसला करते हैं अपने बच्चों के हवाले से तो जब वो फैसला करके हम हुक्म सादर फरमाते हैं, जब बच्चों को बता देते हैं कि ये बात आपने करनी है और ये नहीं करनी और हम स्टैंड ले लेते हैं उस बात पे, तो इससे घर में बहरान पैदा होता है। अब वो बहरान जो पैदा हो रहा है टफ लव के इस सेवंथ प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करने से, उस बहरान को समेटना, उससे बाहर निकलना, उस बहरान के प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं, आज हमने ये तय करना है कि जब हम बच्चों के साथ कोई स्टैंड लेते हैं तो उस स्टैंड पे हम कैसे कायम रह लेते हैं, कैसे हम अपने बच्चों को दोबारा जिंदगी के धारे में शामिल कर लेते हैं। तो बाज़ दफा जो नफ्सियाती तौर पे ट्रीटमेंट होता है हमारे इन बिगड़े हुए नौजवानों का, तो वालदैन को हम ये बता रहे होते हैं कि वो, पहली बात तो ये है कि वो खुले दिलो दिमाग के साथ आगे बढ़ेंगे। जब वो खुले दिलो दिमाग के साथ आगे बढ़ेंगे तो वो दूसरों के साथ लेन मदद का लेन देन भी जारी रखेंगे और मदद के इस लेन देन के साथ साथ जो वालदैन हैं या जो स्टैंड लेने वाले हैं उसमें वो एक दूसरे के साथ डिस्कशन भी जारी रखेंगे। जब एक वालदैन स्टैंड ले रहे हैं तो वो दूसरे वालदैन अगर उसे मदद मांग रहे हैं तो वो आपस में ख्यालात तबादला ख्यालात करते रहेंगे। अगर कोई ऐसा वाल जो ऐसा घर है जहां वालदैन स्टैंड लेना चाहते हैं और उन्हें मुश्किल हो रही है कि हम डिस्कस किसके साथ करें इस स्टैंड को, अगर उन्हें कोई बंदा नहीं मिल रहा तो वो हमारे हॉस्पिटल फोन कर सकते हैं, हमारे किसी काउंसलर से बात कर सकते हैं कि हम फलां स्टैंड लेना चाह रहे हैं अपने बच्चे के साथ और इस स्टैंड से हमें बताएं कि हम इस स्टैंड को आगे कैसे लेके चले। मोस्टली जो स्टैंड लेने का टाइम होता है वो टाइम होता है जब बच्चे बिगाड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन आप सब लोग तो हमारे पास उस वक्त तशरीफ लाते हैं और हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे पास आते हैं अपने इन मामलात के सॉल्यूशंस के लिए। तो आप जब हमारे पास आते हैं तो मामला काफी हद तक बिगड़ चुका होता है, तो उस बिगड़े हुए मामले को जब हम ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ते हैं तो नफ्सियाती तौर पर जो ट्रीटमेंट चल रहा होता है उसमें बताया जाता है कि अब वालदैन ने स्टैंड ले दें। मोस्टली जो रिहैब में इंडोर ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है उसमें हम कहते हैं कि ठीक है 21st डे पे आप इंटरवेंशन डेटा प्रेजेंट करेंगे, आप मरीज के साथ बैठ के ये तय करेंगे कि जिंदगी जो हमने गुजारनी शुरू की थी उसमें आज हम बैठ के हिसाब करते हैं कि क्या खोया क्या पाया। तो जब ट्रीटमेंट का सेकंड मंथ स्टार्ट होता है तो उसमें 4-7 इन्वेंट्री लिखी जाती है कि हम उनको बता देते हैं कि जनाब आप अपनी जिंदगी का जायजा लेंगे कि नशे से पहले आपकी जिंदगी क्या थी, नशे के दौरान आपकी जिंदगी में ये ट्रांजिशन कैसे, खराबियां कैसे पैदा हुई, या यहां से जाने के बाद ट्रीटमेंट के बाद आप अपनी जिंदगी का लाहे अमल किस तरह तरतीब देंगे। तो फिर एक मरहला आता है कि जब अनसुपरवाइज मीटिंग शुरू होती है तो हम फैमिली से कहते हैं कि अब आप अपने स्टैंड लेना शुरू करेंगे। वो स्टैंड्स जब वालदैन बच्चे को बताते हैं कि बेटा अब से हमारे ये स्टैंड है आपके साथ, तो वो तिलमिलाते हैं। बच्चे जो नशा जो मरीज हैं वो उनको ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि उन्हें पहले आजादी पसंद थी, पहले वो ऐवे ही घूमते फिरते रहते थे और वो ये इस नशे की इस बीमारी में ये भूल चुके थे कि आजादी उन्हीं लोगों को नसीब होती है जो जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। वो लोग, वो घर या वो ममालिक जहां पर आजादी का जिम्मेदारी के साथ मुजाहरा नहीं किया जाता उनकी आजादी वापस छीन ली जाती है। तो जब बच्चों को आप बताते हैं कि जनाब अब हम स्टैंड लेने लगे हैं आपके साथ, तो बच्चों को ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन यहाँ ट्रीटमेंट की बात हो रही है, यहाँ किसी के अच्छा या बुरा लगने की बात नहीं हो रही। स्टैंड्स ऐसे ही हैं जैसे जनरल प्रैक्टिस में डॉक्टर्स अगर किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हैं तो
तो पेशेंट्स पहली दफा जरूर कहते हैं कि अच्छा गोली से काम नहीं चल जाएगा, लेकिन हम अपने पेशेंट्स को जो स्टैंड देते हैं वो उनको जनरल प्रैक्टिस में इंजेक्शन की तरह होते हैं। अब जो स्टैंड्स हैं, जो टफ लव का 7 प्रिंसिपल है कि हमें स्टैंड लेने हैं, और स्टैंड लेने से बुहरान पैदा होता है। दो बातें, पहली बात स्टैंड लेना, दूसरी बात बुहरान का पैदा होना। तो टफ लव का 7 प्रिंसिपल ये है। तो पहले हम बात करते हैं कि स्टैंड होते कितनी किस्मों के। एक तो हमने भी बात कर ली कि स्टैंड का साइकोलॉजिकल पहलू क्या होता है, स्टैंड का अब टाइप्स क्या है। तो स्टैंड की पहली टाइप है लश ग्रीन स्टैंड्स। दूसरी बात जो टाइप है स्टैंड्स की उसको कहते हैं कि ये ग्रीन स्टैंड्स है। तीसरी जो स्टैंड लिया जाता है, जो टाइप है स्टैंड की, उसको कहा जाता है कि ये येलो स्टैंड है। और जो फोर्थ स्टैंड लिया जाता है पेरेंट्स की तरफ से अपने बच्चों के साथ, उसको कहते हैं कि ये रेड स्टैंड है। अब हम एक एक स्टैंड पे थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। लश ग्रीन स्टैंड, वालदैन बच्चे से ऐसी बात बनवाते हैं जिस बात को बच्चा बड़ी खुशी से मान लेगा। मसलन एक बच्चे को अगर क्रिकेट मैच का शौक है और वालदैन उससे सिर्फ एक फरमाइश करते हैं कि बेटा जरा बताना स्कोर क्या हुआ है, बच्चे को ऑलरेडी शौक है। वालदैन ने उनसे पूछा कि स्कोर क्या हुआ है, बच्चा फौरन बताएगा जी ये स्कोर हुआ है। अब वालदैन के लिए स्कोर जानना जरूरी नहीं था, वालदैन के लिए जो जरूरी बात थी वो ये थी कि क्या हमारे बच्चे ने हमारी बात मानी है। ये लश ग्रीन स्टैंड है, बड़ी खुशी से मानने वाले स्टैंड। इस पे किसी हद तक बुहरान पैदा नहीं होता, क्योंकि बच्चे की मनपसंद चीजें आपने उनसे डिस्कस की है। सेकंड नंबर पर जब आप ग्रीन स्टैंड लेते हैं तो बच्चे को थोड़ा सा बुरा लगता है, एकदम उसका एंटीना बताता है कि देयर समथिंग रॉन्ग। लेकिन जब साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट के बाद और आप अपनी ट्रेनिंग के बाद पेशेंट से स्टैंड लेते हैं, तो फिर आपको ट्रेनिंग के दौरान ये बता दिया जाता है कि एकदम जंप नहीं करेंगे आप लश ग्रीन स्टैंड से ग्रीन स्टैंड पर, या ग्रीन स्टैंड से येलो पे या रेड पे। तो पहले हम अगर 10 लश ग्रीन स्टैंड लेंगे तो नफसियाती तौर पर अगर देखा जाए, इस बात का जायजा लिया जाए, तो इंसान का जहन आहिस्ता आहिस्ता मुड़ता है, एकदम डर नहीं लेता। तो जब आप अपने बच्चे से लश ग्रीन स्टैंड पे बात बनवाते हैं और 10 लश ग्रीन स्टैंड लेते हैं, तो आपको ग्रीन स्टैंड लेते हुए मसला नहीं होता। एक तो आपको हिम्मत हो चुकी है, एक बच्चे को ये पता चल चुका है कि मुझे वालदैन की बात माननी है, चाहे उसे कॉन्शियस लेवल पे चीजों का पता चाहे ना हो, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में उसको जरूर पता होगा कि मैं कोई बात मानता जा रहा हूं, मैं किसी के दायरा इख्तियार में दाखिल होता जा रहा हूं। तो फिर जब 10 आप लश ग्रीन स्टैंड ले रहे थे, फिर आप ग्रीन स्टैंड लेते हैं, फिर बच्चे को, यही बच्चा जो क्रिकेट मैच की एग्जाम्पल थी, आप उस बच्चे से कहते हैं कि बेटा जरा उठना पानी ला के दे देना। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं जो जनरलाइज एग्जाम्पल है, क्योंकि हर फैमिली अपने घरेलू हालात के मुताबिक, अपनी रस्म रिवाज के मुताबिक, अपनी वैल्यूज के मुताबिक स्टैंड बनाते हैं। तो मैं इसे समझाने के लिए एक क्रिकेट की एग्जाम्पल दी है। तो सेकंड स्टैंड में जब ग्रीन स्टैंड है तो हम बच्चे से कहते हैं कि बेटा अब जरा पानी का गिलास ला देना। तो जब आप 10 लश ग्रीन स्टैंड बनवा चुके हैं तो वो फौरन पानी का गिलास लेने जाएगा। जब आप 10 ग्रीन स्टैंड ले चुके होते हैं तो फिर आप येलो स्टैंड लेते हैं। आप बच्चे से कहते हैं बेटा जरा टीवी बंद कर देना, क्योंकि जब आप येलो स्टैंड पे आते हैं तो बच्चे को एकदम झटका जरूर लगता है, क्योंकि देयर समथिंग समथिंग चेंज इज हैपनिंग। और चेंज को एक्सेप्ट ना करना हम इंसानों की फितरत है। जब भी चेंज